वेल तो हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। माय नेम इज पंकज। तो वेल आप लोग का स्वागत है नॉर्मी रेसलिंग में। तो इस वीडियो के अंदर बात करेंगे द वाइपर रैंडी ऑर्टन के नए कैरेक्टर रिटर्न के बारे में, एंड ऑल्सो डिस्कस करने वाले जॉनी गर्गानो के रिटर्न के बारे में। पॉल हेमन यहाँ पर काफ़ी कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ें टीज करते हुए दिखाई देते हैं, और समर स्लैम में हमें जे एन जिमी ऑल्सो रोमन रेंस के साथ में क्या कुछ देखने को मिल सकता है, एंड और भी अच्छी खासी अपडेट्स है इस वीडियो के अंदर। तो भाई वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, और जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई सब्सक्राइब कर लो लेटेस्ट अपडेट्स और ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए। ओके, सो चलते हैं फ्रेंड टॉपिक पे आते हैं, एंड टॉपिक की शुरुआत करते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल जॉनी गर्गानो को लेकर। सो जॉनी गर्गानो के रिटर्न को लेकर बार बार अपडेट्स हमें यहाँ पर देखने को मिली रही है कि भाई जॉनी गर्गानो कब तक रिटर्न देखने को मिलेंगे। इसको लेकर कुछ क्लियरेंस तो नहीं देखने को मिल रहा है, लेकिन ये अपडेट के अकॉर्डिंग बताया जा रहा है कि जो जॉनी गर्गानो है उनको क्लियर कर दिया गया है रिटर्न के लिए। अब डब्ल्यूडब्ल्यूई के पास उनके लिए प्लान है या फिर नहीं है वो तो डब्ल्यूडब्ल्यूई जानती है, लेकिन यहाँ पर पास्ट में अपडेट्स ऐसी देखने को मिल रही थी कि भाई जॉनी गर्गानो को लेकर प्लान थे कि वो DIY के साथ में, मतलब DIY जो देखने को मिलती थी टीम हमें NXT के अंदर, टोमासो चियांपा के साथ उनका रियूनियन देखने को मिलेगा, लेकिन ये प्लान भी अभी हमें यहाँ पर जो कि पोस्टपोन होते हुए दिखाई दे रहा है। तो जॉनी गर्गानो है वो हमें एज ए सिंगल सुपरस्टार ही रिटर्न करते हुए दिखाई देंगे, लेकिन कब तक देखने को मिलेगा इसको लेकर WWE जो कि स्टेटस अभी क्लियर कर नहीं रही है। लेकिन आने वाले समय में हमें हो सकता है नेक्स्ट वीक के मंडे नाइट रॉक के अंदर, या फिर हमें कुछ ही दिनों में जो कि जॉनी गर्गानो रिटर्न करते हुए दिखाई देंगे। और इनके इंजरी को लेकर भाई वैसे भी कोई डिटेल्स देखने को मिली नहीं थी, सो होप करते हैं कि देखते हैं, मतलब इनकी इंजरी तो क्लियर हो चुकी है, मेडिकली इनको क्लियर कर दिया गया है, देखते वैसे WWE कब तक इनको क्लियर करके रिटर्न करती है। बढ़ते वैसे नेक्स्ट वन अपडेट की तरफ, तो ये अपडेट हमें यहाँ पर देखने को मिल रहा है पॉल हेमन की तरफ से। तो पॉल हेमन की तरफ से भाई काफ़ी अजीबोगरीब हमें यहाँ पर ट्वीट्स तो देखने को मिलते ही है, और काफ़ी अजीबोगरीब टीज भी देखने को मिलते हैं। जैसा कि आप यहाँ पर ये ट्वीट देख सकते हो, वैसे ये कल का ट्वीट है जहाँ पर पॉल हेमन ट्वीट करके सोलो सिकोवा की फोटो डालते हुए दिखाई देते हैं, एंड देन सोलो सिकोवा लिखते हुए दिखाई देते हैं। तो भाई ये क्या टीज था आई डोंट नो, लेकिन यहाँ पर पॉल हेमन काफ़ी अजीबोगरीब चीज़ करते हुए दिखाई दे रहे, जो कि ऑब्वियसली अच्छी खासी बात तो है, ब्लड लाइन को लेकर कुछ खिचड़ी पका रहे तो वो भी बढ़िया ही रहेगा। देखते होप करते हैं कि इन फ्यूचर कहीं ये तो नहीं टीज कर रहे कि पॉल हेमन यहाँ पर सोलो सिकोवा के गाय बनते हुए दिखाई देंगे, मतलब सोलो सिकोवा पॉल हेमन गाय बनते हुए दिखाई देंगे। वेल लिटरली ऐसा हो सकता है, क्योंकि अगर रोमन रेंस यहाँ पर मिस करते हैं कहीं से तो हो सकता है पॉल हेमन एंड सोलो सिकोवा भी रोमन रेंस से अलग हो जाएं। लेट्स सी इन फ्यूचर देखने को मिल सकता है मे बी। बढ़ते वैसे नेक्स्ट वन अपडेट की तरफ, तो ये अपडेट हमें यहाँ पर देखने को मिल रहा है, और ये है जो कि जिमी उसो एंड जे उसो को लेकर। तो जैसा कि आप लोग को बता दूं कि करेंटली रिपोर्ट्स ऐसी देखने को मिल रही है कि जो जिमी उसो हैं उनका हमें इन्वॉल्वमेंट देखने को मिलेगा समर स्लैम 2023 के अंदर। ये मनी इन द बैंक के टाइम पे भी अपडेट आई थी, एंड यही अपडेट फिर से देखने को मिली है, जहां पर जिमी से के इन्वॉल्वमेंट को लेकर प्लान बनाया जा रहा है कि जो जिमी उसो हैं करेंटली इनको इंजर्ड दिखाया गया है, लेकिन जो जिमी उसो हैं वो हमें समर स्लैम में रिटर्न करते हुए दिखाई दे जाएंगे, और करेंटली कुछ हफ्तों के अंदर तो हमें नहीं देखने को मिलेंगे, लेकिन समर स्लैम 2023 के अंदर उनका अपने भाई के लिए मतलब रिटर्न तो देखने को मिलेगा ही, और वो हमें देखने को मिलेंगे जो कि जिमी उसो के साइड में, मतलब जे उसो के साइड में जिमी उसो देखने को मिलेंगे, ऐसा कुछ यहाँ पर WWE का प्लान है। तो देखते भाई क्या कुछ देखने को मिलता है, और जिमी उसो आएंगे तो ऑब्वियसली सोलो सिकोवा रोमन रेंस के साथ में रहेंगे ही, तो ऐसे में बराबरी का हिसाब होना चाहिए, क्योंकि भाई मैच बहुत खतरनाक होने वाला है रोमन रेंस और जे उसो का, तो यहाँ पर हिसाब भी बराबरी का होना चाहिए। बढ़ते वैसे नेक्स्ट वन अपडेट की तरफ, तो ये अपडेट हमें यहाँ पर देखने को मिल रहा है रोमन रेंस को ही लेकर। तो जैसा कि आप लोग को बता दूं कि रिपोर्ट्स हमें यहाँ पर ये देखने को मिली है कि जो रोमन रेंस है A&E उनके ऊपर डॉक्यूमेंट्री बना रही है, यस डॉक्यूमेंट्री बना रही है, जो कि काफ़ी अच्छी खासी बात है। पहले भी डॉक्यूमेंट्रीज बन चुकी है जो कि द रॉक और भी अदर सुपरस्टार्स के ऊपर, तो यहाँ पर अब हमें यहाँ पर डॉक्यूमेंट्री देखने को मिलेगी द हेड ऑफ द टेबल द ट्राइबल चीफ रोमन रेंस को लेकर, जो कि काफ़ी अच्छी खासी बात है, और बहुत सारी बड़ी मिस्टीरियस चीज़ों को यहाँ पर हो सकता है मतलब टॉपिक में कवर किया जाए, तो डॉक्यूमेंट्री देखना इंटरेस्टिंग रहेगा। बढ़ते वैसे नेक्स्ट वन अपडेट की तरफ, तो ये अपडेट हमें यहाँ पर देखने को मिल रहा है द वाइपर रैंडी ओटन को लेकर। तो भाई द वाइपर रैंडी ओटन का एक नया थीम सॉन्ग जो कि इंटरनेट पे काफ़ी ज़्यादा वायरल चल रहा है, जहाँ पे जो वॉइसेस हमें थीम सॉन्ग देखने को मिलता था द वाइपर रैंडी ओटन का, उसी को रिमिक्स करके एक बार फिर से वैसा ही थीम सॉन्ग हमें यहाँ पर देखने को मिल रहा है, और इसको थोड़ा बहुत रिमिक्स किया गया है जो कि द वाइपर रैंडी ओटन का है, और बताया जा रहा है कि ये उनके नए कैरेक्टर के लिए प्लान बनाया जा रहा है। तो आई थिंक मुझे लगता है कि मे बी
लिटिल बिट चांसेस हैं कि ये रैंडी ऑर्टन के लिए ही प्लान बनाया जा रहा है, और हो सकता है कि हमें द वाइपर रैंडी ऑर्टन एक नए कैरेक्टर के साथ में देखने को मिले, और डब्ल्यूडब्ल्यूई यहाँ पर रिफ्रेश कर सकती है उनके कैरेक्टर को। और जैसा कि पहले भी अपडेट देखने को मिली है रेसलिंग ब्लॉग्स और अदर साइट्स की तरफ से, जिनका ये कहना है कि डब्ल्यूडब्ल्यूई आने वाले सुपरस्टार्स के कैरेक्टर और थीम सॉन्ग में चेंजेस करते हुए दिखाई देगी, तो पॉसिबली ये चीज़ हमें देखने को मिल सकता है द वाइपर रैंडी ऑर्टन के साथ में, जहाँ पर हमें रैंडी ऑर्टन अपने किसी नए कैरेक्टर के साथ में डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर रिटर्न करते हुए दिखाई दे जाए। तो लेट्स सी भाई कब तक हमें वाइपर का रिटर्न देखने को मिलता है डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर, और किसके साथ में स्टोरीलाइन शुरू होते हुए दिखाई देती है, और नया कैरेक्टर देखने को मिलेगा तो देखना वो भी इंटरेस्टिंग रहेगा कि हमें कैसा ओवरऑल कैरेक्टर देखने को मिलता है। सो ओवरऑल इन सारे अपडेट्स को लेकर आप लोग के थॉट्स ओपिनियन का है कॉमेंट बता देना। वीडियो अगर पसंद आई है तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, जो भी करना है कर सकते हो। इंस्टाग्राम एंड ट्विटर का लिंक भाई डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पर फॉलो कर लो। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एवरीवन गाइस। पर समय की मार है या मेहनत की हार है, ये खुद को बदलना तो मेरे शब्दों के विचार है। अफसोस है कि आज सबने इसको भुलाया, फ्राइडेस को इसने आरकेओ था लगाया।